आज का वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही बनाया जा रहा है। आपने अगर यहाँ पे देखा होगा तो मैंने कुछ यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग के वीडियोस आपके लिए बना के दिए हुए थे, जिसमें मैंने बताया था 7 days मैंने ड्रॉप शिपिंग ट्राई किया, उसका क्या रिजल्ट रहा, विनिंग प्रोडक्ट्स वगैरह आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसी टाइप से ड्रॉप शिपिंग की बहुत सारी मैंने ट्यूटोरियल्स दी थी। जैसे आप यहाँ पे ये एक और प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जिसका नाम है चिप, तो इसके बारे में भी मैंने ड्रॉप शिपिंग बताया था, साथ ही प्रिंट ऑन डिमांड बताया। ये जो वीडियोस थे इनमें जो एक सबसे ज्यादा कमेंट था कि हम वीडियो एड्स कैसे बना सकते हैं, इंगेजिंग एड कैसे बना सकते हैं, और साथ ही कुछ लोगों के ये भी कमेंट थे कि वो फेसबुक में कैसे एड चलाएं ताकि कन्वर्जन आए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे है, आप वीडियो एड्स कैसे बना सकते हैं अपने ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स के लिए, या किसी भी और प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप एड कैसे बना सकते हैं, और एड आपका बहुत ही इंगेजिंग बनेगा। सारी चीजें मैं आपके लिए डिटेल में बताऊंगा। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी चीजें समझिए, और कोई भी इशू आए, कोई भी चीज समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। बेसिकली मैं आप लिए दो टाइप के एड बना के दिखाऊंगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एड्स आप लिए दिखाई दे रहे हैं सेम इसी टाइप के एड्स में आप लिए कैसे बना सकते हो ताकि वो एड कन्वर्ट हो, कहा जाए तो आपके पास सेल आए। तो सेम चीज आप कैसे कर सकते हैं, यही चीज आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है वीडियो एड्स फॉर ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स, और अगर आपका खुद का कोई प्रोडक्ट है तो भी आप उसके लिए एड बना सकते। अब यहाँ पे जो सबसे मेन चीज आती है वो आती है वीडियो सोर्स। वीडियोस आपके लिए कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं तो वो चीज मैं यहाँ पे आपके लिए बताने वाला हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट एंड बेस्ट जो तरीका है वीडियो फाइंड करने का, वो सबसे पहला तरीका है कि आप खुद एक प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं और आप उसके खुद वीडियोस को बना सकते हैं। ये कहा जाए तो आप उन प्रोडक्ट्स के लिए कर सकते हैं जो कि आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट वायरल है, और इस एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट के सहारे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो उस प्रोडक्ट के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं और आप खुद भी उसका वीडियो बना सकते हैं। ये मतलब कहा जाए तो सबसे बेस्ट एंड सेफ ऑप्शन आप इसके लिए समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ही आपके लिए कोई भी इशू आने वाला है, आप उस एड के लिए कहीं भी चला सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन होता है कि आप मैसेज कर सकते हैं सप्लायर्स के लिए। सप्लायर्स आप समझ सकते हैं, मान लीजिए अली एक्सप्रेस का है, एस पॉकेट का है, या कहीं का भी आपका सप्लायर है, आप उनके लिए मैसेज कर सकते हैं और वो मैसेज करने पे आपके लिए शानदार से वीडियोस बना के दिया करते हैं, और मोस्टली टाइम उनके पास ऑलरेडी रेडी रहा करते हैं। और ये भी ऑप्शन आपके लिए तब चूज करना है क्योंकि अली एक्सप्रेस या एस पॉकेट में मोस्टली प्रोडक्ट्स के आपके लिए रिव्यूज मिल जाते हैं, या कहा जाए तो उनके वीडियोस आपके लिए बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि प्रोडक्ट इमेजेस, मान लीजिए आप एस पॉकेट का प्रोडक्ट उठा रहे हैं, अली एक्सप्रेस का प्रोडक्ट उठा रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली बात है कि प्रोडक्ट की इमेजेस रहा करती हैं और डिफरेंट टाइप की इमेजेस डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए मिल जाती हैं। तो वो इमेजेस का आप एक हिसाब समझ लीजिए कि आप एक यहाँ पे स्लाइड शो टाइप का बना सकते हैं, या बीच में आप ट्रांजिशन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये जो वीडियो है ये अभी आपके लिए आगे दिखाऊंगा कि इसी टाइप के वीडियोस जहाँ पे एक तो ओरिजिनल वीडियो होता है, और ओरिजिनल वीडियो में आप इस टाइप से चीजें लगा के इसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सेकंड वीडियो होता है कि इमेजेस के थ्रू आप वीडियो बना सकते हैं, तो ये भी एक बहुत शानदार तरीका है जो कि आप यूज कर सकते हैं। फोर्थ जो ऑप्शन है प्रोडक्ट फोकस्ड यूट्यूब वीडियोस, मतलब कहा जाए तो एक जो प्रोडक्ट है, आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे कि कोई रिव्यू दे रहा है, उसमें प्रोडक्ट इतना खास नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर कोई ऐसा यूट्यूब वीडियो आपके लिए मिल जाता है जहां पे प्रोडक्ट को फोकस किया गया है तो आप उन वीडियोस को यूज कर सकते हैं, वहां से आप क्लिप्स वगैरह निकाल के आप उनको मर्ज कर सकते हैं। और लास्ट में आपको जो एक काम करना है कि जो भी ओरिजिनल क्रिएटर है उसके लिए आपको क्रेडिट जरूर देना है। तो ये चीजें आपके लिए ध्यान रखना है, और ये तरीके हैं जिनके थ्रू आप वीडियो फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है ऑडियो की, तो मोस्टली आपके लिए ऑडियो जो है
आप अगर कोई एडिटर यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं आई मूवी यूज करता हूं, या फिर आप अगर कोई भी ऑनलाइन वीडियो एडिटर भी यूज कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपके ऑडियोज मिल जाते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी और फेसबुक ऑडियो लाइब्रेरी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपके लिए बहुत शानदार ऑडियोज मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए दो चीजें मिल गई, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो मिल गया, आपके लिए ऑडियो मिल गया। इसके बाद आपके लिए जो एक चीज की जरूरत पड़ने वाली है कि आप किस टाइप का एड बना सकते हैं। यहाँ पे दो टाइप के एड हैं जो कि सबसे ज्यादा चलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक होता है लेटर बॉक्स विद टेक्स्ट एंड इमोजीज, ये जो आपके लिए एक एड दिखाई दे रहा है, इस टाइप के एड्स के लिए आप लेटर बॉक्सिंग एड आप बोल सकते हैं, जहां पे आपको टेक्स्ट और इमोजीज का आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्स्ट और इमोजीज आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। ये जो वीडियो बना सकते हैं, ये आप बेस्ट फॉर वायरल प्रोडक्ट्स, मतलब कोई भी वायरल प्रोडक्ट है जिनमें किसी भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, उनके लिए आप इस टाइप के वीडियोज बना सकते हैं। इसमें सिंपल सा एक ऑडियो रहा करता है, किसी भी टाइप का आप ऑडियो एड कर सकते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे एक टेक्स्ट लिखा है, बाकी एक ऊपर टेक्स्ट लिखा है, साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो इमोजी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। एक और जो यहाँ पे कंडीशन हो सकती है कि अगर आपके पास कोई भी हॉरिजॉन्टल वीडियो, जैसे मान लीजिए ये आप देख रहे हैं कि ये कोई एक हॉरिजॉन्टल वीडियो है, और हॉरिजॉन्टल वीडियो अगर है और आपके लिए फेसबुक या इंस्टाग्राम में आपके लिए एड चलाना है, वहां पे आपके लिए एक स्क्वायर टाइप के वीडियो की जरूरत पड़ती है, तो उस कंडीशन में आप इसी टाइप का एड बना सकते हैं, जिसको आप लेटर बॉक्स टाइप का एड बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा एड आता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो एड है इसमें होता है कि टेक्स्ट ओवरले और स्लाइड इंस होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हम इस वीडियो को प्ले करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ स्लाइड्स आते रहेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ यहाँ पे स्लाइड्स भी आ रहे हैं, साथ में आप चाहें तो इसमें आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। और ये कहा जाए तो ये सिंपल सी इमेजेस के थ्रू बनाया गया है, लेकिन आपके लिए लगेगा नहीं कि आपको इसको इमेजेस के थ्रू बनाया गया है, क्योंकि ये जो भी वीडियो है ये बहुत शानदार दिखाई देता है, सारी चीजें एकदम एनिमेटेड टाइप से रहा करती हैं। तो मेरे ख्याल से इस टाइप का भी एड आप बना सकते हो। अभी मैं दोनों एड आपके लिए प्ले करके एक बार दिखा दिया करता हूं। When the product is erected, it can swing back and forth to attract cat to play. When the product is placed horizontally, the toy rotates like a turntable, attracting the cat's interest in playing. An interactive cat ball designed on the top of the product. Product is made of environmentally friendly and healthy food grade ABS material. Cats can interact with toys alone. Available in different colors. तो ये दोनों वीडियो आपने सुन के देख लिए। साथ ही मैं यहाँ पे एक और चीज आपके लिए बोलना चाहता हूँ। जैसे आपने ये वाला वीडियो देखा होगा, इसमें एक वॉइस ओवर भी था, मान लीजिए जो भी यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है इसमें एक वॉइस ओवर भी था, और यहाँ जो था इसमें सिंपल सा एक म्यूजिक था। तो आप चाहें तो आप दोनों में ही आप ऑटोमेटेड वॉइस ओवर ऐड कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, या डिपेंड ऑन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट। मान लीजिए ये सिंपल सा ब्लैंकेट है, इसमें आप कुछ समझाने के लिए है नहीं, कहा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लैंकेट फॉर कैट्स। मैं मोस्टली कैट के प्रोडक्ट यूज करता हूँ, इसीलिए ज्यादातर इसी टाइप के एड बनाता हूँ। अब यहाँ पे मान लीजिए ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपल सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसमें कुछ चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत थी, इसकी वजह से यहाँ पे टेक्स्ट भी आ रहा था और साथ में यहाँ पे ऑटोमेटेड वॉइस ओवर भी आ रही थी। अभी मैं आपके लिए ये चीज बताने वाला हूं कि सेम चीज आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों टाइप के एड आप चाहें तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं।
किसी भी टाइप का एड अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो जो मैं बेस्ट रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर समझता हूं वो आप InVideo समझ सकते हैं, क्योंकि InVideo में मोस्टली चीजें मुझे पता है कि जितना ज्यादा कस्टमाइजेशन आपके लिए यहां मिल सकता है बाकी मेरे ख्याल से किसी और प्लेटफॉर्म पे आपके लिए नहीं मिल सकता है। आपको किसी भी टाइप का एड बनाना है आप यहां पे देख सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट वीडियो एड्स बनाने हैं या फिर आपके लिए बिट साइज एड्स बनाने हैं या फिर आपको लॉन्ग फॉर्म एड्स बनाने हैं। किसी भी टाइप का एड्स आप बनाना चाहें सेम एड के लिए आप डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं। मान लीजिए आप यहां पे देख सकते हैं ये एक आपके लिए एड दिखाई दे रहा है, आप यहां पे देख सकते हैं ये जो चीजें हैं इस टाइप से आ रही हैं। अब अगर आप इसी चीज को सेम चीज को स्क्वायर में भी बनाना चाहो तो भी आप बना सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे जो 1x1 स्क्वायर वाला ऑप्शन है अब आप यहाँ पे देख सकते हो सेम जो वीडियो है वो स्क्वायर फॉर्मेट में भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। कहा जाए तो सेम चीज आप स्क्वायर के लिए भी बना सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप सिंपल सी स्टोरीज के लिए बनाना चाहें तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम वीडियो आपके लिए मिल जाएगा जो कि आप स्टोरीज के लिए भी बना सकते हैं। तो आप ये समझ के रखिए कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए हाई कस्टमाइजेशन दिया करता है या आपकी सभी टाइप के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकता है। आप एक ही टाइप के ऐड के लिए आप चाहें तो सिंपल सा स्टोरीज के लिए यूज कीजिए या आप फेसबुक वगैरह के लिए एड बनाना चाहें उसके लिए यूज कीजिए या फिर आप यूट्यूब टाइप से किसी के लिए भी प्लेटफॉर्म के लिए बनाना चाहें तो उस टाइप का भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल दिखाया है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे यहाँ पे एग्जाम्पल हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि मान लीजिए सिंपल सा आपके लिए कोई टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्ट करना है, मान लीजिए किसी भी टाइप का जो मैंने अभी आपके लिए एक एग्जांपल दिखाया हुआ था, ये जो एक मैंने आपके लिए अभी एक एग्जांपल दिखाया हुआ था ये सेम एड मैंने इसी में बनाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एड आपके लिए दिखाई दे रहा है ये मैंने इसके अंडर ही बनाया था। यहाँ पे सिंपल सा टेक्स्ट टू वीडियो में जाके आपको सिंपल सा स्क्वायर सिलेक्ट करना है या जिस टाइप का भी मान लीजिए आप फेसबुक वगैरह के लिए बनाना चाहते हैं देन आपको एक टेम्पलेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे आप यहां पे देख सकते हैं ये जो एलिगेंट टाइप का एक टेम्पलेट है यही टेम्पलेट मैंने यूज किया था। इसके अलावा भी आप यहां पे देख सकते हैं जो भी आपके लिए टेम्पलेट शानदार लगता है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से वो टेम्पलेट आप यहां पे चूज कर सकते हैं। यहां पे इतने सारे टेम्पलेट हैं मेरे ख्याल से आपके लिए कमी नहीं पड़ेगी टेम्पलेट्स की, लेकिन जो मेन मैं आपके लिए बोलूंगा तो आपके लिए या तो इस टाइप का टेम्पलेट चुनना है ये एक आप टेम्पलेट चुन सकते हैं और इसके बाद जो एक और बेस्ट कैची रहा करता है वो आप ये वाला एक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें इस टाइप से आता है तो ये चीज बहुत शानदार रहा करती है और जो भी आपके मेन कीवर्ड्स हैं वो भी आप हाईलाइट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो गुड आया था या एम्फेसाइज आया था तो ये जो चीजें हैं मतलब कहा जाए तो जो मेन कीवर्ड है वो भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मान लीजिए किसी भी एड को अगर बनाना चाहते हैं मैं एक एग्जांपल दिखा दिया करता हूँ, ये जो वीडियो है इसी को मान लीजिए मैं ले लिया करता हूँ सिंपल सा। अब मुझे फेसबुक के लिए एड बनाना है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर साइज लूंगा, यूज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आने के बाद सिंपल सी जो भी आपकी स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट आप यहाँ पे एड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो है ये मैंने प्रोडक्ट का नेम डाल दिया, इससे पहले जो मैंने एक एड बनाया था वो मैंने इसके लिए बनाया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए सारी इमेजेस वगैरह मिल जाती हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं A to Z जो भी इमेजेस मैंने यूज की थी वो सेम इमेजेस यूज की थी। आप अगर कोई और प्रोडक्ट लेना चाहते हैं मान लीजिए ये वाला प्रोडक्ट ठीक दिखाई दे रहा है, मैं सिंपल सा यहाँ से आके और इस प्रोडक्ट का ये नेम यहाँ पे पेस्ट कर दिया करता हूँ। ऑब्वियसली बात है ये हमारा नेम है। अब यहाँ पे आपको कुछ इसके पॉइंट्स चूज करने पड़ेंगे, तो आप चाहें तो जहां पे भी आपने ये वाला प्रोडक्ट अगर किसी भी स्टोर में इंपोर्ट किया है तो आप डायरेक्ट भी इसका यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल सा आप अपने उसका URL डालेंगे और URL डालने के बाद पूरा कंटेंट फेच कर लेगा। जैसे आपके में जो भी कंटेंट रहेगा मान लीजिए ये जो आपका कंटेंट है इसमें से जो जो भी पॉइंट आपके लिए निकालने पड़ेंगे वो पॉइंट ये आपका काम मतलब थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ क्या रहेगा कि आपके लिए चीजें थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ये वाला प्रोडक्ट है, अभी हम फिलहाल के लिए ये सारी चीजें कर लिया करते हैं कॉपी। अब इसमें से जो भी चीजें हमको हटानी पड़ेंगी वो चीजें हम हटा देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है थोड़ा सा मैं एडिट कर दिया करता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आपको इनको एक एक का गैप करके यहाँ पे एड कर देना है। गैप करके अगर आप एड करोगे तो उसका बेनिफिट ये मिलता है कि ये चीज के लिए एक अलग से सीन क्रिएट कर दिया करता है और साथ ही आप
यहाँ पे चाहें तो सारी इमेजेस वगैरह भी आप सारी की सारी अपलोड कर सकते हैं, वो आप आगे जाके भी कर सकते हैं। देन आपको सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने तकरीबन 9 सीन यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। अब आप इनमें अपनी खुद की इमेजेस लगा सकते हैं, ये चूंकि इसने खुद इमेजेस वगैरह फाइंड कर ली और वो चीज ऐड कर दी। चूंकि हमारा ये एक प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट में अपनी इमेजेस लगा सकते हैं, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसकी इमेज आप निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इतनी सारी इमेजेस यहाँ पे दी हुई हैं, सेम इमेजेस को आप निकाल के और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने भी बहुत सारी इमेजेस वगैरह अपलोड की है, चूंकि मैं यहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाकर रहा करता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन जो इमेज है, मेन इमेज आपके लिए कौन सी रखनी है वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आप ये वाली जो है ये आप मेन इमेज रखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज आ गई है और बाकी चीजें हम यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए लोगो वगैरह हटाना है तो ये भी आपको कैसे करना है वो चीज भी मैं आगे आपके लिए दिखाऊंगा। जो भी आपके लिए मेन इमेज रखनी है, मान लीजिए ये वाली ज्यादा शानदार दिखाई दे रही है तो इस इमेज के साथ में जाऊंगा। अब यहाँ पे मान लीजिए जो भी टेक्स्ट लिखा है उसके हिसाब से भी आप रख सकते हैं। कोई भी इमेजेस मैं यहाँ पे ऐड कर दिया करता हूँ, मान लीजिए ये वाला है तो मैं ये इमेज ऐड कर दिया करता हूँ। कुल मिला के बात एक है कि आपके प्रोडक्ट की इमेजेस मोस्टली होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है तो सिंपल सा जिस टाइप का भी दिखाई दे रहा है, तो ये कोई भी इमेजेस मैं अभी यहाँ पे ऐड कर दिया करता हूँ। तो सिंपल सी जो भी मुझे इमेजेस दिखाई दे रही है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सारी चीजें ऐड कर दी। मतलब कहा जाए तो हर सीन में एक ना एक कोई भी इमेज ऐड कर दी। ऐसा हो सकता है कि कोई डबल इमेज भी हो गई हो, तो आपको थोड़ा सा देख लेना है। जैसे ही आप सेटिस्फाइड हो जाएं, आप चाहें तो इसी टाइप से भी इसका प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट वगैरह कैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से आना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पे आप चाहें कि इसको आपको वॉइस ओवर भी करना है, मतलब कहा जाए तो आप अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वैसे ये जो प्रोडक्ट रहा करते हैं इनको आप विदाउट एक्सप्लेनेशन के साथ भी कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनमें आपके लिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो सकती है। जैसे मैंने कुछ यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल्स दिखाए हुए थे, मान लीजिए ये जो है इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कि ये जो है ये एडजस्टेबल है, कंफर्टेबल है, पे सिस्टम है। तो ये चीजें अगर आपके लिए नहीं करना है तो फिर आप इस टाइप का एड भी बना सकते हो। तो जो ये है, अब यहाँ पे चाहें तो आप इसको एडवांस एडिटर में आने के बाद आप बाकी चीजें भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये जो है ये आपका दिखाई दे रहा है। अब ये चीज आपके लिए थोड़ा बहुत भी इसको एडजस्ट वगैरह करना है तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो था वो किस टाइप से अच्छा दिखाई दे सकता है, तो यहाँ पे आप सारी चीजें कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो था इसके लिए आप अगर थोड़ा सा यहाँ पे साइड में लेके आना चाहें तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट वगैरह सारी चीजें एकदम ठीक दिखाई दे रही है, और आप इसको छोटा बड़ा करना चाहें तो सारी चीजें ये खुद एडजस्ट कर लिया करता है। इसी टाइप से आप बाकी सीन को भी देख लेना कि जो भी प्रोडक्ट वगैरह है वो आपका ठीक तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए ठीक तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इसकी साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा तो आप यहाँ पे देखना कि ये उसके हिसाब से ये वाला अपनी चीजें सेट कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप बाकी भी देख लेना कि अगर आप इसको इस टाइप से करना चाहते हैं तो ये चीज भी आप कर सकते हैं कि किस टाइप से आपका प्रोडक्ट ज्यादा शानदार बन सकता है, या कहा जाए तो आपका वीडियो ज्यादा शानदार बन सकता है। तो सभी के लिए आपके लिए एक बार चेक कर लेना है कि जो भी चीजें हैं वो परफेक्ट तरीके से दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है। मान लीजिए यहाँ पे आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा ढक रहा है तो आप इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाइए, या कहा जाए तो ये जो वीडियो है ये भी आप थोड़ा सा ऊपर खिसका सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर खिसका दिया और जो हमारी मेन चीज था वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही। तो कुल मिला के कहने का यही मतलब है कि जो भी चीजें हैं वो एकदम परफेक्ट दिखाई देना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूजिक आपके लिए दिखाई दे रहा है, तो म्यूजिक में आप यहाँ पे इसका वॉल्यूम वगैरह कम ज्यादा करना चाहें तो वो चीज भी आप कर सकते हैं। नया म्यूजिक अगर आप कोई ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने टाइप के म्यूजिक हैं, जो भी आपके लिए लगता है। मान लीजिए रॉकिंग टाइप का म्यूजिक आपके लिए चाहिए है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने टाइप के म्यूजिक हैं, जो म्यूजिक चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह दिखाई दे रहा है इसका ऑटोमेटिक वॉइस ओवर भी होता रहे तो वो चीज भी आप कर सकते हैं। वो चीज के लिए सिंपल सा मान लीजिए यहाँ पे आइए आप, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा जूम कर दिया करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉइस ओवर आपके लिए दिखाई दे रहा है, साथ में ऊपर आपके लिए दिखाई दे रहा है ऑटोमेटिक टेक्स्ट टू स्पीच। आप सिंपल सा इस पे क्लिक कीजिए
और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटेड टेक्स्ट टू वॉइस ओवर आ गया और यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप की वॉइसेस आ जाएंगी। अब सिंपल सा आपके करना क्या है, इनको आपको सुन के देखना है कि ये जो वॉइस है वो आपके हिसाब से परफेक्ट है या नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं जो ये वाला एक जो है मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छी लगती है, तो सिंपल सा मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा। अभी आपने ये वाली वॉइस सुनी, अगर आपको ये वाली ठीक लग रही है इट्स ओके, अगर नहीं लग रही है तो बाकी भी आप यहाँ पे जनरेट कर Cats swirling LED balls. और ये वाली भी वॉइस आपने सुनी। अब आपको इनमें से जो भी परफेक्ट लगती है, मान लीजिए ये वाली हमको परफेक्ट लग रही थी, हम यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे एक ऑप्शन आपके लिए दिखाई दे रहा है, एड ऑटोमेटेड वॉइस ओवर फॉर ऑल सीन्स। तो सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे एड पे क्लिक कर देना है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका वीडियो है उसमें आपका जो वॉइस ओवर है वो एड होना शुरू हो गया। अभी आप यहाँ पे नीचे भी देखेंगे तो नीचे सभी में जो भी वीडियोस हैं आपके उन सभी में यहाँ पे वॉइस ओवर आ जाएगा। इसमें आपका हो सकता है 1-2-4 सेकंड का टाइम लगे। जैसे आप अभी यहाँ पे नीचे देख सकते हैं तो नीचे आप देखेंगे कि सभी के अंदर यहाँ पे वॉइस ओवर आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी के अंदर वॉइस ओवर आ गया है। साथ ही साथ अब मान लीजिए आपका ये वॉइस ओवर तो आ गया, अब वॉइस ओवर होने के बाद आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं कि कैसा सुनाई दे रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो आपके लिए प्रीव्यू का बटन दिखाई दे रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके लिए ये चीज अब यहाँ पे जो एक चीज हो रही है वो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो इसका वॉइस है, मतलब कहा जाए तो जो वॉइस है उसकी आवाज तो मतलब नॉर्मल है, लेकिन जो यहाँ पे ऑडियो मतलब कहा जाए तो बैकग्राउंड म्यूजिक लगा हुआ है इसकी आवाज यहाँ पे ज्यादा है। तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट में आके वॉल्यूम एंड फेड जो ऑप्शन आपके लिए दिखाई दे रहा है इस पे आने के बाद आप सिंपल सा यहाँ पे साइड में आइए, साइड में आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं कि वॉल्यूम आपके लिए कितना रखना है। तो वो चीज आप यहाँ पे कर दीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा कम वॉल्यूम आप रखना चाहते हैं तो ये आप इतना रखें और अब आप इसको सुनेंगे तो आपके लिए समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये एकदम परफेक्ट बन गया है। साथ ही यहाँ पे एक आपके लिए लोगो दिखाई दे रहा है, अगर आपके ब्रांड का लोगो है, क्योंकि ये जो यहाँ पे लोगो लगा हुआ है ये मेरा अकाउंट है, कहा जाए तो प्रीमियम अकाउंट है ये, तो इसमें मैंने अपना लोगो डाल के रखा हुआ है, साथ में और भी ब्रांड्स के लोगो हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा अगर आपको लोगो रखना है तो रखिए, या फिर आप किसी और पोजीशन पर रखना चाहते हैं वहां रखिए, अगर नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको सिंपल सा डिलीट कीजिए। तो मैंने यहाँ पे डिलीट किया। अब आपको ऑल सीन से हटाना है या लास्ट में भी आप रखना चाहते हैं तो लास्ट के जो लास्ट वीडियो रहेगा सीन रहेगा आप उस सीन में अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सभी से डिलीट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी से मैंने डिलीट कर दिया, ये यहाँ पे इस टाइप से आ रहा है, आप चाहें तो इसको भी आप हटा सकते हैं, मैंने सभी से हटा दिया। अब आपका वीडियो एकदम क्लीन हो गया है और आपका वीडियो यहाँ पे बनके तैयार हो गया है, आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद अब जब फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाओ देन आपको सिंपल सा यहाँ पे जो डाउनलोड का बटन दिखाई दे रहा है डाउनलोड पे क्लिक करके और आपको रेजोल्यूशन भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, तो 1080p मेरे ख्याल से इनफ है और आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये वीडियो को एक्सपोर्ट होने में तकरीबन 2-3 मिनट का टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पर रेंडरिंग वगैरह चलती है और अगर डिपेंड ऑन साइज भी, अगर आपकी साइज ज्यादा कम है तो उसके हिसाब से भी इसमें टाइम थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा आप एक और ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, कनेक्ट टू यूट्यूब का भी ऑप्शन है कि आप अगर चाहें कि आपको यूट्यूब या फेसबुक पे डायरेक्ट यहाँ पे वीडियोस को अपलोड करना है तो वो ऑप्शंस भी आपके लिए यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ पे बन के तैयार हो गया है, अब आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सा मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका वीडियो था वो वीडियो आपका बन के तैयार हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं A to Z जो भी आपने इसमें एडिटिंग की थी वो सारी चीजें एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाई दे रही। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा शानदार तरीका है जो कि आप बड़े इजीली यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स के लिए या किसी भी टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप इन वीडियो का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जिस टाइप के भी वीडियोस बनाना चाहें, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी टाइप के वीडियोस में सभी टाइप के वीडियोस बनाता हूँ। मान लीजिए एक मेरा यूट्यूब चैनल है तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल से इस टाइप के भी वीडियोस बनाता हूँ, कोई भी एक टॉपिक उठाया उसकी स्क्रिप्ट लिखी और सिंपल सा वीडियो बनकर तैयार हो गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी भी मैंने यहाँ पे एड्स वगैरह सारी चीजें बना के रखी हुई है। तो ये जो एक टूल है जो कि मुझे सबसे शानदार लगता है इसीलिए मैंने आज आपके लिए बताया है। ये
आपके लिए भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल्स दिए हैं वो रियली बहुत शानदार है। एक बार आप इसको यूज कीजिए, यहाँ से जो आप वीडियोस बनाओगे आपके लिए रियली बहुत अच्छे कन्वर्जन आएंगे। ये मैंने आपके लिए सिंपल सा एक एग्जांपल दिखाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के और भी आप एड बना सकते हैं। जिस टाइप का भी आपका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आपको सभी टाइप के एड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी टाइप का आपका प्रोडक्ट है सभी के लिए आपके लिए मिल जाएंगे। मान लीजिए आपका जिम से रिलेटेड है या आपका बैग है, मेडिसिन है, कोई भी चीज है, आप सभी के लिए यहाँ पे एड्स वगैरह बना सकते हैं और बहुत ही शानदार एड बन सकते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये फ्री टू यूज है, आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। और अगर इसकी प्रीमियम चीजें कुछ यूज करना है, जैसे इसमें आप अगर एडिटर में अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी स्टॉक वीडियोस होते हैं, इमेजेस होते हैं, वो सारी चीजें आपके लिए मिलती हैं। तो अगर आप चाहें तो इसके प्रीमियम प्लान में भी जा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे प्रीमियम प्लान लेके रखा हुआ है। बाकी भी आप इसके प्लान वगैरह देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं $15 मंथली में आपके लिए ये चीजें मिल जाती है। मतलब कहा जाए तो ये बहुत शानदार है। अगर आपका कोई भी ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, 2-3 ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, तो मेरे ख्याल से ये एक मैंडेटरी चीज है जो कि आपके पास जरूर होनी चाहिए। तो आई होप यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपके लिए बता दी, किस टाइप के एड बना सकते हैं, क्या चीजें आप कर सकते हैं। तो आई होप सारी चीजें आपके लिए समझ में आ गई होंगी। अभी भी आपका कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। दोस्तों, फ्रेंड, फैमिली, जो लोग भी ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स बना रहे हैं या वो एड्स वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उनके साथ इस वीडियो के लिए जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।